दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ब्लड शुगर टेस्ट स्ट्रीम मेथड से कैसे करते हैं। अब हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये हमारा लैंसेट है, ये लैंसेट डिवाइस है, ये मीटर है, ये स्ट्रिप है, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि आप पहले जो है आप एक स्ट्रिप निकाल लीजिए। यहाँ से हम जो है ना बहुत केयरफुली स्ट्रिप निकालना होता है, स्ट्रिप जो है बहुत केयरफुली निकालना होता है। आप स्ट्रिप ये देखिए, ये जो स्ट्रिप है इसमें ना ये जो साइड है ये प्लेन होती है, और ये जो है इसमें कुछ लाइनिंग लाइनिंग होती है, मार्कर मार्क किया होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये कट का निशान हुआ है। ये देखिए, आप सही से देखिए, यहाँ पर ये कट का निशान है। इसका मतलब इसका ये होगी, इसके ये साइड हमें यूज नहीं करना है, हमें हमेशा प्लेन वाली साइड यूज करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना कुछ दिख रहा है आपको, एक सर्कल डॉट टाइप का। तो यहाँ पर ब्लड ड्रॉप जो है ना वो हम टच करवाते हैं, ब्लड से यहाँ पर टच करवाते हैं, फिर वो करते हैं। आपको इस यहाँ पर जो है ना हाथ से कभी टच नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री रखना है इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डिवाइस है, इसको कुछ नहीं करना, इसको यहाँ पर ऐसे हम फिट कर देंगे। तो ये जब ये फिट करेंगे तो ये हमारा जो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाता है, और एक बीप की आवाज़ आएगी, ऑन होते ही बीप की आवाज़ आएगी। और यहाँ पर ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लड ड्रॉप की तरह एक ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये बोला है रेडी टू यूज है, इसका मतलब ये कि ये रेडी है। अब इस ब्लड ड्रॉप डालेंगे और ये हमारा रीडिंग दे देगा ये। तो अब हम करते हैं क्या, अब जो है हम अपना लैंसेट डिवाइस लेते हैं। डिवाइस सेट, हमने अपना लैंसेट डिवाइस पहले सेट कर लिया, ठीक है। अब हम कॉटन स्वैप लेंगे, और हमने कॉटन स्वैप लेंगे क्लीन करने के लिए। हम क्या करेंगे, ये फिंगर को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्लड प्रिक करेंगे। ये देखिए, ये ब्लड हमारा प्रिक हो गया। इसमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम ड्रॉप तो कभी 20 माइक्रोलीटर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लगभग बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए होता। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइस है, हमारा रेडी टू यूज़ में है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इसको जो है टच करवाएंगे। ये देखिए आवाज़, जब ये संपर्क ब्लड इसमें जाएगा तो आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आएगी। अब ये देखिए रीडिंग, अब हमारा रीडिंग आ गया 105। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो 105 है, इसे हम ये पता। अब ये हमारा रीडिंग आ गया 105, ठीक है। तो हम ये रीडिंग 105 नोट कर लेंगे। अब इसको हम डिस्कार्ड करने के लिए हम हाथ से जो है इसको निकाल ऐसे नहीं निकाल सकते। ये हमारे पास एक स्विच होता है, एक स्विच होता है, इनको जब भी हम ऐसे करेंगे आगे की ओर, तो ये हमारा जो स्ट्रिप है वो अपने आप आगे की ओर डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा ब्लड ग्लूकोज करने का मेथड। तो अब हमें वैल्यू के तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है फास्टिंग, और दूसरी होती है पीपी, और तीसरा होता है रनडाउन। अब दोस्तों फास्टिंग के बारे में पहले जानते हैं कि फास्टिंग सिंपल क्या, फास्टिंग कैसे हम टेस्ट करते हैं। फास्टिंग के लिए आपको जो है 8 से 10 घंटे का ओवरनाइट फास्टिंग मैंडेटरी होता है। मतलब अगर आप रात में 10 बजे अगर खाना फिनिश करते हैं तो सुबह 8 बजे आपको फास्टिंग टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। आपको ये जो है हमारा दोस्तों 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ना तो 8 से कम होना चाहिए और ना 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 10 से ज़्यादा होगा तो ओवर फास्टिंग हो जाएगा, अगर 8 से कम होगा तो आपको वो रीडिंग जो है आपका वो एक्यूरेट नहीं आएगा, फिर आप सही से मेजर नहीं कर पाओगे फास्टिंग की मेजर। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है आपका 70 से 100 mg पर डे। और पीपी फास्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि फास्टिंग में आपको जो है ना ब्लड टेस्ट करने से पहले आपको कोई भी मतलब फूड नहीं लेना है, जैसे कि आपको एक चाय भी नहीं लेना है, ना बिस्किट लेनी है, कोई भी चीज़ नहीं लेना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप एक गिलास पानी ले सकते हैं, अलाउड है, पर इसके अलावा आप चाय बिस्किट कुछ भी नहीं लेंगे। आपको ओवरनाइट पूरी फास्टिंग होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की बिल्कुल प्योर फास्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर फास्टिंग होनी चाहिए। अब पीपी का क्या मतलब होता है, पीपी का मतलब होता है कि जब आप फास्टिंग सैंपल करवाते हैं टेस्ट, तो फास्टिंग सैंपल करवाने के बाद आप कुछ नाश्ता कर लीजिए, ज़्यादा हैवी नाश्ता भी मत कीजिए, लाइट ब्रेकफास्ट लीजिए,
और जब आपका ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है, जब आप ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हो तो वो टाइम आप नोट कर लीजिए, और उस टाइम से आप दो घंटे, जब आपका 2 घंटा हो जाएगा तो वो आपका उस टाइम जो आप सैंपल लेंगे या फिर उस टाइम जो आप टेस्ट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा पीपी, उसको बोलते हैं पोस्ट मील भी बोलते हैं, कि खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी होती है 100 to 140 mg/dL, और ये है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि आप दिन में कहीं भी करवा, किसी भी टाइम करवा सकते हैं, कि आपको पता नहीं हो कि आपने कितना खाया, कब खाया, क्या सब खाए हो, नहीं खाए हो, तो आप सैंपल जो उस टाइम से आप दिन में कभी भी टेस्ट करेंगे ब्लड शुगर की, तो वो जो आपकी वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं रैंडम वैल्यू। तो रैंडम वैल्यू जो होता है वो होता है 70 to 150 mg/dL। तो ये था हमारा दोस्तों ब्लड शुगर स्टीम मेथड से कर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।